वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आंखों से दूर सही, दिल से कहां जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। शाहनवाज हुसैन जब रेणु से पहली बार मिले थे, तब दोनों ही एक बस में सवार थे। शाहनवाज हुसैन ने रेणु को अपनी सीट ऑफर की थी और दिल लगी का सिलसिला फिर शुरू हुआ था। पहली मुलाकात के बाद जब दोनों अपनी राहों पर रवाना हुए, तब यही लाइनें गुनगुना रही थी कि आंखों से दूर सही, दिल से कहां जाएगा, जाने वाले तू हमें याद बहुत आएगा। ये प्रेम कहानी साल 1986 में शुरू हुई। शाहनवाज दिल्ली के पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे थे और रेणु उसी कॉलेज में हायर सेकेंडरी की पढ़ाई कर रही थी। शाहनवाज हुसैन को रेणु पहली नजर में पसंद आ गई थी। एक दिन बस में दोनों सफर कर रहे थे, तभी शाहनवाज हुसैन ने रेणु को अपनी सीट पर बिठाया और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वो पहला दिन था जब रेणु से शाहनवाज हुसैन ने बातचीत की थी। धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता चला गया और दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती चली गई। लेकिन धीरे धीरे शाहनवाज को प्यार का एहसास होने लगा और फिर वो दिन आया जब हुसैन ने रेणु को अपने दिल की बात बताई। शाहनवाज ने रेणु को एक ग्रीटिंग्स कार्ड दिया जिसमें उनका हाले दिल बयान था। उन्होंने अपने दिल के अरमान कागज पर उतार दिए थे, लेकिन रेणु ने शाहनवाज के प्रपोजल को कबूल करने से इनकार कर दिया। रेणु ने अलग अलग धर्म के होने की वजह से शाहनवाज के दिल की बात को ठुकरा दिया, लेकिन दोनों की दोस्ती अभी खत्म नहीं हुई थी। बस में साथ बैठकर आने जाने का सिलसिला अब रेणु के घर पर खत्म होने लगा। रेणु के घर में शाहनवाज हुसैन आने जाने लगे और धीरे धीरे रेणु को भी समझ में आ गया कि वो भी शाहनवाज हुसैन को पसंद करने लगी है। और आखिरकार उन्होंने हुसैन को फिर आई लव यू बोल दिया। पूरे 9 साल के इंतजार के बाद दोनों के घर वाले शादी के लिए राजी हुए और साल 1994 में दोनों ने शादी की और आज दोनों के प्यार की बगिया में दो बेटे अरबाज और आदिल हैं। अपनी पत्नी को शिद्दत से प्रेम करने वाले शाहनवाज हुसैन आज ईद भी धूमधाम से मनाते हैं और होली भी उल्लास से खेलते हैं। उनके यहाँ बकरीद भी होती है और दिवाली में लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। शाहनवाज हुसैन और रेणु ने लोगों के सामने साबित कर दिया है कि प्रेम ही किसी रिश्ते का आधार है और वो ही सर्वोपरि है। आज दोनों आइडियल कपल के रूप में जाने जाते हैं। लोकसभा टीवी चैनल के साथ बातचीत में शाहनवाज हुसैन ने बताया था कि जब वो केंद्रीय मंत्री थे, उसी दौरान मुंबई के कुछ फिल्म निर्माता उनसे संपर्क में थे। वो फिल्म निर्माता शाहनवाज हुसैन को बतौर हीरो फिल्मों में लॉन्च करना चाहते थे। फिल्म निर्माताओं के कई बार अनुरोध करने पर शाहनवाज हुसैन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से इस बारे में बात करने पहुंचे। इस पर वाजपेयी ने उन्हें पहले ठीक से निहारा और कहा, आप राजनेता ही अच्छे हैं, रहने दीजिए फिल्मों की बातें। इसके बाद शाहनवाज हुसैन ने फिल्मों में जाने का मन बदल दिया। सैयद शाहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और 3 बार लोकसभा सांसद रहे हैं।